चलो ब्रो मिलते हैं यार, बाय बाय बाय, सी यू सी यू। वो जो वक्त आपने गुलाब पे छाया कर दिया, वही है जो उस गुलाब की अहमियत बढ़ाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं कुटला से ग्लेशियर पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर काफी अच्छा है यार। इट इज वेरी ब्यूटीफुल अप हियर, काफ़ी बढ़िया एक व्यू नज़र आता है यहाँ से। और ये एक प्लेन सा एरिया है, यहाँ पर आई थिंक टेंट वेंट लगा के कैंपिंग भी कर सकते हैं शायद, और चलते भी। और अभी आगे है यहाँ पर एक स्टीप क्लाइंब, यहाँ भी ग्लेशियर पॉइंट के रास्ते से कुछ ऐसा व्यू नज़र आ रहा है। और यहाँ नीचे से हम लोग चल के आ रहे हैं ऊपर, और काफ़ी स्टीप सा एक रास्ता है ऊपर तक जाने के लिए। मैं इंस्टाग्राम आई डी इज LUKASMOODYS लुकास मूडिस। कुटा एंड कुटला camp folder. Yeah, we saw you walking there. Like, why are you walking up if you want to go down? Yeah, that's what happened. Because I came the same way. So actually what happened yesterday is, it was evening and we lost our way. We just kept climbing this way, this way, this way, and then someone told us that the camp is that way. So they brought us from this way all the way down. Did you sleep here? Yep. Like one night? We stayed over here yesterday. Wow. Did you go to the glacier tour? Is it worth it? So guys, after reaching this point, we have all decided that we are not going any further to this glacier point, since there is no glacier there as per the locals, and it has all melted already. So I don't think there is any point going to the glacier point when there is no glacier itself. So everyone has decided that we will just head back down. So now we are going down and I am the last one. बाकी लोग काफ़ी नीचे ऑलरेडी पहुँच गए हैं, तो अभी जाते हैं वापस नीचे तोश की तरफ। हाँ, भाई इसके साथ तो रात तक जाएगी। हाँ तो दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ से स्टीप बहुत ही ये चढ़ाई थी, उसी तरीके से बहुत ही स्टीप अब ढलान भी है, और काफ़ी तेज़ी से आप नीचे जा सकते हो थोड़ा संभल के। बस आपको सीधा कर रहा है, रोल हो जाओगे। हाँ, बाय बाय, या सी यू सम अदर टाइम। या ओके, सो यहाँ से अभी भी लोग जाते हैं वापस तोश की तरफ। काफ़ी अच्छा टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया कुटला में, और कई सारे और भी स्ट्रेंजर्स मिले हमें यहाँ पर। तो हम लोग जब नीचे से चले थे, हम लोग तीन लोग थे, ऊपर आते आते कई सारे लोग हो गए। मेट अ लॉट ऑफ पीपल। या दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट ट्रैवलिंग इन हिल्स। या हमारा जो बाकी रास्ता है वो पूरा लगभग ढलान वाला रास्ता है। हाँ, जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे तो इट वाज नाइस हाइक, उतना ज़्यादा कुछ एग्जॉस्टिंग नहीं था। ये खीरगंगा उतरते टाइम क्या बहुत दिक्कत आई? भाई खीरगंगा चढ़ते टाइम भी उतरते टाइम भी थोड़ा सा है मतलब, लेकिन सही यार, हो जाता है बड़े आराम से। तो दोस्तों अभी हम लोग नीचे आ रहे थे, तो नीचे हम लोग काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं यार, काफ़ी रास्ता कवर कर लिया ना हमने बहुत ही कम टाइम में। और एक बार फिर से जाते जाते ये सामने जो व्यूज़ है ना यार, दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। हाँ,
नो कैमरा कैन जस्टिफाई दिस व्यू. जब आ तक जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर जब ये वाटरफॉल आएगा, यहाँ पर ये दो रास्ते हैं. ये जो सामने वाला रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये लॉन्ग रूट है, और जो शॉर्टकट रूट है वो यहाँ से नीचे से वाटरफॉल क्रॉस करके अगर जाएंगे तो काफ़ी शॉर्ट रास्ता पड़ेगा. तो जब हम लोग आए थे तो हम लोग लंबे रास्ते से आए थे क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, बट अभी कुछ लोकल्स ने हमें बताया था कि ये वाला रास्ता काफ़ी शॉर्ट है, तो यहाँ से अभी हमारा रास्ता जो है जानने का वो अलग हो जाएगा. हाँ, काफ़ी ईजी भी है. शायद नीचे उतरना पड़ेगा वाटरफॉल के पास, फिर वहाँ से आगे रास्ता. अरे 5 मिनट का हॉल्ट लेना तो लेते. और दोस्तों ये जो दूसरे वाला रास्ता है जहाँ से हम अभी जा रहे हैं वापस, ये रास्ता इस तरीके से इस जो पानी की जो स्ट्रीम है उसके साथ साथ चलता जाता है, और बहुत ही प्यारी सी एक आवाज़ आती रहती है यहाँ पर. तो दोस्तों अभी आते हुए हम लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं ना, ये रास्ता अगर हमें पहले मिल गया होता तो हमारा जो कुटला का ट्रैक है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाता, मतलब ऑलमोस्ट आधे से भी कम टाइम लगता हमको जितना टाइम हमें पहले लगा था. क्योंकि ये वाला जो रास्ता है एक तो बहुत ही फ्लैट टाइप का रास्ता है, और बढ़िया यार. रास्ते से हम लोग पहले गए थे वहाँ से तो काफ़ी लंबा रास्ता था, बट जिस रास्ते से हम लोग वापस आए हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग नीचे पहुँच गए, लगभग 1 घंटे से भी कम टाइम में हम लोग नीचे आ गए यार. और यहाँ से आधा घंटा, यहाँ पर इस वाले रास्ते में आपको प्रॉपर ना साइन बोर्ड्स भी मिल जाएंगे किस तरफ जाना है वाटरफॉल और कुतला वगैरह के, और डिस्टेंस यहाँ लिखा है 1 आवर, और वाटरफॉल का डिस्टेंस है यहाँ से 30 मिनट्स. बट यहाँ से जाते टाइम आपको 1 घंटा लग जाएगा लगभग कुटला पहुँचने में, दूसरे रास्ते से जाओगे तो करीब 2-2.5 घंटे लगेंगे. और ये वाला रास्ता काफ़ी इजी भी है यार. ये वाला जो रास्ता था ये मोस्टली प्लेन रास्ता है, इसमें ज़्यादा ना तो चढ़ाई है और ना कहीं उतराई है, तो सीधे सीधे चलते रहो. बट जो दूसरा रास्ता हमने पकड़ा था वहाँ पर काफ़ी चढ़ाई थी मतलब, बट ये बहुत ही सिंपल रास्ता है. और अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच भी गए हैं तोश. तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं वापस तोश, और हमारा हॉस्टल मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है सामने कहीं, जो बीच में है बिल्कुल. ये है एप्पल ट्री, और कैमरा में शायद उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, अभी लाइट भी नहीं है, बट ये यहाँ ऊपर काफ़ी सारे सेब इसके ऊपर लगे हुए हैं. और इसी जो ट्री का एक सेब हमें ये जो भैया यहाँ पर ओनर, उन्होंने गिफ्ट किया है. तो दिस इज़ दी फर्स्ट टाइम कि ऐसे पेड़ से मतलब टूटा हुआ सेब हम लोग आज ट्राई करेंगे. बहुत ही बढ़िया यार, एकदम ताज़ा. तो दोस्तों हमारा ट्रैक तो ऑलरेडी ख़त्म हो ही गया था, और नीचे तोश आने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी पिंकी दीदीज द लास्ट रिजॉर्ट कैफ़े. इस तरफ रास्ता है 200 स्टेप्स. ये है पिंकी दीदीज द लास्ट रिजॉर्ट एंड कैफ़े 360. फाइनली दोस्तों ये है पिंकी दीदीज कैफ़े, और यहाँ पर इस तरीके का आपको व्यू मिलता है. आप आराम से ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हुए यह व्यू एंजॉय कर सकते हो. तो दोस्तों फाइनली हम लोग अपने हॉस्टल पहुंच गए तोश में, और दिस इज द हॉस्टल दैट वी आर स्टेइंग इन. यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेट रूम्स और बंक बेड्स वगैरह अवेलेबल हैं. मैं एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा. तो ये है अपने सूरज भैया. हेलो. तो सूरज भैया ही इस जगह को पूरा मैनेज करते हैं. तो बताओ सूरज भाई, क्या क्या है अपने पास? सारा कुछ है जो होना चाहिए.
सर्विस अवेलेबल हो सकती है हाँ। सारा कुछ है। तो रूम्स में क्या है अपने पास? रूम्स में 3 प्राइवेट रूम्स है। ओके। और 2 6 बेड है, 1 8 बेड है। ओके। मैट्रिस 3 हुई बस। और ये सारा कॉमन एरिया वगैरह है, बालकनी कॉमन एरिया, ओपन रूफ है, सारा कुछ ठीक है। हाँ ऊपर वो ओपन रूफ बहुत बढ़िया है, और इवन बालकनी भी बहुत अच्छी है। ओपन बालकनी व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से। यहाँ पर कोई लोग तो नहीं है ना? जाओ अंदर। भैया अंदर है कोई है क्या? भाई अंदर भैया ही है बस। अच्छा फिर ठीक है, ये तो अपने लोग हैं। तो इस तरीके के जो बंक बेड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो भैया बंक बेड्स अपने यही प्राइस रेंज रहती है या फिर ये प्राइस रेंज सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है डाउन? तो मतलब मिनिमम से मैक्सिमम कितना जाता है? मैक्सिमम का तो कोई रेट ऐसा है नहीं, न्यू ईयर के टाइम पे मैक्सिमम होता है हमेशा। लगभग कितना चलता है उधर उस टाइम? तो काफी होता है 1000 नहीं पर ज्यादा, इससे भी ज्यादा होता है। इससे भी ज्यादा बंक बेड्स का 2000 प्लस होता है। तो न्यू ईयर पे जो बंक बेड्स हैं उसका प्राइस 2000 तक भी जाता है, बट नॉर्मली लाइक 300-350 तो नॉर्मल जो ऑफ सीजन्स रहता है उसमें 300-350 यही रहता है। और प्राइवेट रूम्स अपने? प्राइवेट रूम का भी रेंज है ज़्यादा नहीं होता है, एवरेज अगर न्यू ईयर के टाइम पे मैक्सिमम जाता है 7-8 thousand के समथिंग। अच्छा न्यू ईयर के टाइम पे 7-8 thousand, और नॉर्मली 2000 के आसपास। 2000 और मिनिमम कितना रहता है भैया? मिनिमम ऑफ सीजन जाता है कम से कम 1300-1200। अच्छा मतलब ऑफ सीजन में, फुल ऑफ सीजन जब होता है जब कोई नहीं आता यहाँ पर उस टाइम पे, मोस्टली रेनी सीजन 12-13 के टाइम पे, हाँ मानसून के टाइम पे जब लोड वगैरह ब्लॉक होते हैं। चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। और भैया का नंबर भी एक बार बता दो यार अगर बुकिंग वुकिंग करनी हो तो। बुकिंग का हॉस्टल का नंबर है, वो गूगल से ही मिल जाएगा ज़्यादा। अच्छा। फोटोज वगैरह प्रॉपर्टी की सारी फोटोज नंबर कॉन्टेक्ट में तो, और वेबसाइट पे गूपस की वेबसाइट पे सारा कुछ। अच्छा वेबसाइट भी अपनी? हाँ गूपस की, बढ़िया यार। सारा कुछ मिलेगा, इंस्टाग्राम पेज भी है। अरे देखते हैं अकाउंट में फॉलोअर्स सारा कुछ वगैरह सारा कुछ अपडेट होता है, फोटोज वगैरह सारी प्रॉपर्टीज की टाइम टू टाइम अपडेट होती है। तो दोस्तों बुकिंग के लिए आप डायरेक्टली गूगल पे वूफर्स सर्च कर सकते हो तोश, वहीं पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी, और वेबसाइट पे भी जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच भैया, अभी मैं दिखा दूँ थोड़ा सा और ऊपर बालकनी वगैरह। तो यहाँ से ये रास्ता जाएगा फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बालकनी है जहाँ पर बैठ के ऐसी चिल आउट कर सकते हैं। और दिस इज़ दी फर्स्ट फ्लोर। यहाँ ये जो रूम है एशिया, इसमें मैं रुका हूँ। यहाँ पर रूम्स के इन्होंने कई सारे नाम रखे हुए हैं, सो दिस इज़ यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। और ये बालकनी में भी यहाँ पर टेबल्स एंड चेयर्स के सेट वगैरह रखे हैं। इधर आते हो तो ये है बहुत ही बढ़िया एक एपिक सी बालकनी यहाँ पर, यहाँ बैठ के दिन में पूरे दिन धूप आती है, तो क्योंकि यहाँ ठंडा मौसम है तो धूप में मज़े ले सकते हो, बहुत मज़ा आता है यार यहाँ बैठ के ना, धूप में काफ़ी मन लगता है। और इसके अलावा ये जो टेरेस है, टेरेस पे बोन फायर वगैरह का भी इंतज़ाम है, प्लस टेरेस पे भी ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट्स है, तो आप वहाँ बैठ के भी चिल आउट कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, तो क्योंकि ये वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।